कुछ नहीं है। अरे नहीं बुआ, यूनस को ऐसा कुछ नहीं करता। क्या आपने भी इस पर विश्वास कर लिया था कि भारत के जन गण मन को यूनेस्को ने दुनिया का बेस्ट राष्ट्रगान घोषित किया है, या 2000 के नोट में जीपीएस होता है, या गौमूत्र से सोना निकलता है? नहीं तो बधाई हो, आप फेक न्यूज के जाल में नहीं फंसे। लेकिन एक मिनट, अगर आपने इस पर भरोसा कर लिया था, अब अफसोस कर रहे हैं और फ्यूचर में ऐसे घोटालों से बचना चाहते हैं, तो आपके लिए ये रही एक हैंडी लिस्ट, जिससे आप इन फेक न्यूज के चक्कर में पड़ने से बच सकते हैं। फेक न्यूज को कैसे पहचाने? बड़ा सवाल ये है। व्हाट्सएप यूज करते हैं तो ब्राउजर भी यूज कर ले। फैमिली ग्रुप, फ्रेंड ग्रुप में आने वाले मैसेज जिनके बारे में आपको नहीं पता कि ये फेक है या सच, तो ब्राउजर की मदद लें और फैक्ट चेक करें। कैसे, बताती हूँ। वेल, गूगल फैक्ट चेकर का बेस्ट फ्रेंड है। वहाँ टाइप कीजिए और भरोसेमंद न्यूज सोर्सेज पर इस खबर को ढूंढिए। अगर बात सच होगी तो देश विदेश की चुनिंदा भरोसेमंद वेबसाइट्स में किसी ना किसी पर तो जरूर होगी। अगर किसी ने भी इस स्टोरी को रिपोर्ट नहीं किया हो तो उस जानकारी पर भरोसा मत कीजिए। सिंपल, खबर का सोर्स चेक करें और वेबसाइट का URL भी देखें। आपको लग सकता है कि आप क्विंट हिंदी, द गार्डियन या BBC की साइट देख रहे हैं, लेकिन .com के अंत में .co या .in का मामूली सा बदलाव साइट के पेज को पूरी तरह से बदल सकता है। जब आप कुछ भी ऑनलाइन पढ़ते हैं तो देखें कि इसे किसने पब्लिश किया है, क्या वो एस्टैब्लिश्ड न्यूज़ पब्लिशर है और क्या उनका नाम चर्चित है जिस पर भरोसा किया जा सके। लेकिन अगर आपने पब्लिशर के बारे में कभी नहीं सुना हो तो चौकन्ने हो जाएं। तारीख चेक करें। कोई चीज़ एक बार इंटरनेट पर आ जाए तो फिर वो हमेशा के लिए वहाँ रहती है। भरोसेमंद खबरों में सोर्स के साथ उनके पब्लिश होने की तारीख भी दी जाती है। पुराने लेख खासकर आतंकवाद या आर्थिक विकास जैसी लगातार बदलने वाली पुराने खबर को नया बताकर गलत सूचना दी जा सकती है। इसलिए कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले इसे ज़रूर चेक करें। हमेशा ध्यान रखें कि आप सटायर वेबसाइट के आर्टिकल को तो न्यूज़ नहीं समझ रहे ना। जोक को जोक ही रहने दें, सीरियसली लेने की सीरियस मिस्टेक ना करें। साइट का अबाउट पेज देखें। हर भरोसेमंद पब्लिशर का खुद के बारे में बताने वाला अबाउट पेज होता है। इसे पढ़ें, पब्लिशर की क्रेडिबिलिटी के बारे में बताने के साथ ही ये बताएगा कि संस्था को कौन चलाता है। खबर झूठी है या नहीं ये जानने का एक तरीका है कि इसके असर को खुद पर परखें। क्या इसे पढ़ने से आप गुस्सा या इमोशनल हो उठे हैं? अगर ऐसा होता है तो थोड़ा इमोशन कंट्रोल करें और फैक्ट चेक के लिए गूगल करें, क्योंकि झूठी खबरें बनाई ही इस तरह से जाती हैं कि उन्हें पढ़कर भावनाएं भड़कें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये फैलाई जा सके। हेडलाइन से अलग हटकर न्यूज़ के लैंग्वेज और ग्रामर पर भी ध्यान दें। अगर उसमें ढेरों गलतियाँ हैं और फोटो भी घटिया क्वालिटी की है तो अलर्ट हो जाए। झूठी खबरें फैलाने वाली साइटें ये काम गूगल के एड से पैसा बनाने के लिए करती हैं, इसलिए वो साइट की क्वालिटी सुधारने पर ध्यान नहीं देती। तो मित्रों, फेक न्यूज एग्जिस्ट करता है और उसे स्पॉट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। और अब आपकी बारी, इस वीडियो को जिम्मेदारी से लाइक और शेयर करें।